देखो कल हम लोग ना सिर्फ इतनी सी बात बोले थे कि कुछ बताने का है, बाप रे बाप। तो कोई एकदम डर के आके फटाफट लाइव में ये भी चीज बोल दिया, हाँ वो तो मैं वहां पर जाने वाली हूँ, उनसे बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ। बहुत अच्छी बात है लोगों को बनाए ना उल्लू, यही काम है तुम लोग का, दोनों दोनों का वही काम है। अरे आप सीधा पब्लिक पे वो थोड़ी मेरी तुलरा के बोलती है, हस्बैंड सीधा सीधा बोलने का ना। हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड सर के बैंड, किसके किसके बैंड बनना चाहते पता नहीं तीसरे की तैयारी हो रही थी, पता नहीं हुई क्या। नहीं भाई, हमारे को तो सिर्फ उल्लू बनाया गया और हम लोग उल्लू ही बन रहे थे। अरे वो हम लोग तो कितना समझा रहे थे, आप लोग को पता है मैं तो लाइफ पे ये अभी चीज भी थोड़े बोल दिन में देखना चुकी दोनों साथ में वीडियो डालेंगे, हूँ कंफर्म है हम अभी लोग के दोनों बारे में। में तो इतनी चुगलियां कर रहे हैं, वो किसको किसको चुगली नहीं कर रहे, बाप रे अल्लाह तोबा। हम लोग ने तो इतना सपोर्ट करने के बाद भी हम लोग देखो इतना धमकी भी दिया क्या करते क्या। हैं। हाँ ना, धमकी क्या धमकी, बोले ऐसा कंप्लेंट करने का, मिली कंप्लेंट करने का नहीं, घर में चले आने का, वो लेके उल्लू को जहाँ कंप्लेंट डालते, मिले ऐसा वाला कंप्लेंट नहीं करने का। अच्छा दी तुम भाई को बोलने दो यार ये मेरे को बिठा के रखती थी और मेरे को बोली है चलो क्या ठीक मैं है बोल। बोलो इमरान भाई बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं देखो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, पहले से तुम लोग स्टार्टिंग को से मत मालूम बताओ है। नहीं यार। सबको बताना पड़ेगा ना स्टार्टिंग से चल क्या रहा था, तुम लोग को तो सब मालूम ही है। उल्लू बनाया जा रहा था तुम लोग को भी और हम लोग को भी, बस वो किस चीज के लिए आप लोग को भी पता है, सबको उल्लू और बनाया लास्ट में गया हम लोग को भी और मिल गया है आज धोखा। और हाँ एक बात और है, कोई एक बहन है, उनसे मेरी आज ही बात हुई है, और फर्स्ट टाइम कोई बहन से आज मेरी बात हुई है, जो कि वो बहुत ज्यादा बात करते थे, और वो बहन उनसे जाकर मिली भी है। उनको बोला गया है कि ये लोग है ना मुझे लाइफ पे आने के लिए ऐसा सब कर रहे हो ना, तेरे हाँ को अच्छा अच्छा हम लोग ना अच्छा सोच रहे थे, पर तू तेरे अंदर कितना बड़ा शैतान था ना, वो हम लोग को वो चीज पता नहीं थी भाई। हम लोग तो ऐसा सोच रहे थे कि अरे यार बेचारा, यार ये बेचारा बेचारा नहीं बाबा बेचारा नहीं इतना। है। देखो तुम लोगों को मालूम है मैं जो भी मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं यहाँ वहां चुगली नहीं करती हूँ, उनकी तरह मैं बोलती औरत ही हूँ, बोलते ना औरत के पेट की, तो ना वो औरत के पेट का इंसान है जो कि यहाँ वहां चुगली करते घूम रहा है, नहीं ठीक औरत है। लोग को यूज करता है, औरत हाँ लोग को वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है। यूट्यूब पे इतने सारे जन के मैसेज है जिसमें उसने वीडियो बना बना के डालने बोला था सामने वाले के लिए। हाँ और मैं सबको, जितने भी यूट्यूबर लोग हैं जिसको भी वो परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल उनके जाके नाम पे कंप्लेंट कर दो। हाँ भाई और जो 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 है जो परेशान है जिसको डर लग रहा है वो आओ इधर पे मेरे पास आओ, मैं एक जन के पास लेके जाऊंगा, बहुत मजा आएगी। हाँ और उसके ऊपर क्या करने का फिर बताता हूँ, टेंशन मत लेना, बिंदास करना, जिसको भी जो करना है उसको पूरा सपोर्ट है और सना को भेज दो अगर किसको भी डर लग रहा है तो। नहीं देखो वो इंसान है ना, हम लोग ने कितना सपोर्ट किया आप लोगों को पता है, अभी वो सबको ये बोल रहे हैं, बोलते घूम रहे हैं। अभी सुबह एक लेडी इन से लोग मुझे की एक लाइफ चीज पे मैं पता आता चली, नहीं एक मिनट हूँ, रुको ना। इन लोग की लाइफ पे मैं आता नहीं हूँ बोल के इन लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे, ऐसा बोला है। हाँ बोले इन लोग है ना, बोले मेरे को लाइफ पे बिठाने के लिए ऐसा अरे सब तू कर अभी रहे लाइव हैं। आने लगा, तेरे को कोई जानता नहीं था, तू औरत के साथ वीडियो बनाया तब ते को पहचान रहे, हमको 1 साल से लोग जानते हैं। हाँ और दूसरी बात ये सुन ले, तू लाइव वेब पे बैठता नहीं था, लाइव पे हम लोग 1 साल से बैठते हैं। हाँ और हमारा तो 1 साल पुराना ही मैटर चल रहा है जब से हाँ सना इमरान जाने जा रहे और हैं। अभी पर टेंशन क्या है कि रिपीट, तू मोरियो ऐसा पापा के टेंशन नाम होगा। लेती, तू मोरियो पापा के नाम लेती, हमेशा मोरियो पापा के नाम लेते हैं, तो मोरियो पापा के घर में बैठूंगी तो मोरियो पापा का ही नाम लूंगी। बार बार उसका आपा का नाम लेना नहीं, पहले लास्ट टाइम समझा दे रहा हूँ। जाने दो किसी को गाली मत दो। देखो हम लोग की भी ना जब जान चलती ना, हम लोग सोचते नहीं बोलेगे नहीं बोलेगे, तुम लोगों को पता है हम लोग इतना कंट्रोल करते हैं ना, फिर है ना मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए, हम लोग को ऐसा लगता है अभी बोलना चाहिए अभी बोलना चाहिए। उसका नाम मैंने रखा हूं ठरकी बुड्ढा, ठरकी और लल्लू बुड्ढा, टेरी दुल्हन इसने लुटेरी दुल्हन रखी है, मैंने ठरकी बुड्ढा रखा हूं। कूल लगता है डाउन मुझे की बात ये नहीं है, उसकी असलियत बताना बहुत जरूरी बुरा है। बुरा बोला है मैंने उसने हमारे मैंने बारे में। एक आज सुबह एक लेडी से मुझे पता चलता है कि इसने बोला है कि उन लोग है ना लाइफ पे लेने के लिए, कसम खुदा की वो मेरी लाइफ पे ना, वो मेरे को तू तीन कसम से खुदा की चार मत बार, खा, नहीं उसके एक लिए क्यों मिनट खा रही है, एक उन मिनट लोग रुको झूठे ना, लोग हैं। नहीं एक मिनट मैं बता रही हूँ, उसने तीन से चार बार बोला मुझे लाइव ज्वाइन करो लाइव ज्वाइन करो, मैंने उसको लाइव नहीं ज्वाइन की, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे पब्लिक के सामने बुरा नहीं पड़ने का है, मुझे और उसे हम इसके लोग थोड़े गए थे बहुत व्यू से उधर कुछ भी, नहीं हो रहा हम है। लोग सूरत भी गए थे तो इसके लिए मिले नहीं उसको। हाँ हम लोग उसको मिलना ही नहीं था क्योंकि उसको बताना था कि
क्योंकि तू उधर पे 300 रुपए टिकट निकाल के आता है और इधर हम लोग 5,000 खर्चा करके मेरी पेट्रोल गाड़ी है और पेट्रोल गाड़ी में मैं घूम के आया हूँ 7,000 में। हाँ वही 7,000 रुपए खर्चा करके 7,000 खर्चा करके मैं 300 रुपए वाली गाड़ी में आता जाता नहीं हूँ। हाँ तो तेरे को ये बताना था, तो तेरे 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 इस पे नहीं आया था मैं, वहाँ पे मैं घूमने आया था मेरी फैमिली को लेके, तो मैंने खुद होटल में रूम लिया था। फर्स्ट टाइम नहीं आया हम लोग, इसके पहले वाला भी 3 महीना पहले का एक वीडियो देखे हो, 3 या 4 महीना पहले फिर मैं गाड़ी से ही गई थी। मेरी पुरानी वीडियोस तुम लोग देखते रहो, जो कि मैं यूट्यूब पे भी नहीं थी कुछ भी नहीं, फिर भी मैं गई थी क्योंकि वो दरगाह मैं दिल से मानती हूँ, तो दरगाह पे मैं हमेशा आती। क्या मालूम वो कौन सी लेडी सुबह 6 बजे उठ जाता, फोन लगा के दे डालता अपने को, अरे तेरी चाची से बात कर, अरे तुमको चाचा बोले ही कब थे हमने, तुमको तो भाई बनाए थे, भाभी बनाओ किसी को, ले तेरी चाची से बात कर, ले तेरी चाची से बात कर। चाची अरे काय की थे चाची, दिमाग खराब मत करना, थे साले थड़की आदमी, पहले एक औरत दूसरी औरत अभी तीसरी औरत को, तीसरी औरत की भी जिंदगी खराब कर रहा, किसकी क्या मालूम नहीं। हाँ मैं तो कंफर्म चाची करूंगा, मैं तेरे दांत देख, पहला दांत बचे क्या नहीं बचे वो भी देख। आदमी को पैसा दिया था ना वो इंसान लोग, जब भी मेरे को ना कभी भी इसकी जो भी हेल्प किए जो भी उन लोग ने बोले, मैं लोग को हमेशा यही बोलती थी, अरे बहुत अच्छा हो गया यार वो इंसान परेशान है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा मैं सोचती थी कि अल्लाह, मैं बोलती थी अल्लाह जाने दे इसको ना, अल्लाह कोई भी गैप से ना मदद हो जाए क्योंकि बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन ये इतना, अरे हम लोग ने बेचारा इसको बना के तुम्हारे सामने बहुत बड़ी हम लोग ने गलती कर दी, इसको बेचारा बना दी एकदम, ये बेचारा नहीं है, ये एक नंबर का कमीना है, बेचारा नहीं है। अरे नहीं सना बोलने देना यार, फिर मैं बोलता हूँ ना, मेरे को तुम रोकती है, मेरे को गुस्सा आता है, ये बेचारा ने एक नंबर का कमीना ठहरी है। अरे तुम लोग दोनों हाइपर हो जाते हो, अरे क्या वाह क्या क्या दिया इसने डोस, ऐसा डोस दिया हम लोग को, बोलता तुम लोग दोनों हाइपर हो जाते, हाइपर हो जाते, अरे मैसेज नीचे गाली का आएगा तो रिप्लाई नहीं करेंगे, साला ठरकी रमजान में बोलता है मैं कभी लाइव नहीं आऊंगा, सब बताऊंगा मैं, सब बताने वाला, सब डालने वाला, रमजान में लाइव आएगा, रमजान में बोले लाइव नहीं आऊंगा, मेरे साथ नहीं आता था, अलग से लाइव चालू करता था, मैं बोला चल जाने की जरूरत भी नहीं, अरे नहीं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ उसके लाइव की अपने को जरूरत नहीं है सना, पहली बार। अरे ना मरियम पापा का फिर से परसों क्या बोलता है फोन पे, जब ही ना मैंने ना मतलब कुछ बात से मैंने इसको फोन की थी बहुत गुस्से में भड़क के, मैंने किसको यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए बोल रहे हैं, हाँ अभी तुम्हारे को खेलने का है क्या वीडियो रिकॉर्डिंग, तो चलो मैं खेलती हूँ तुम्हारे साथ में, मेरे साथ में तुम खेलना बराबर से, ऐसा बोल के मैंने गुस्से में फोन की ना, तो क्या बोला इसने मेरे को, ओ भाई तू किसको बोल रहे हो भाई, मैं किसी को बोलता नहीं भाई। तो ये सब और मेरे को पता चलता है कि यही आदमी बोलता और एक है। बात है, एक बात आज एक बात मैं ओपन कर रहा हूँ, ये क्लियर कर रहा हूँ, अगर ये झूठ है तो तू आके बता देना, मैं क्लियर कर रहा हूँ। मरियम आपा ने मेरे को बोली थी, समीर भाई ने बोला था कि इमरान तेरे को कभी हेल्प लगेगी, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, नहीं बोलना पड़ेगा था ना, ऐसा बहुत दिन तक चुप बैठा था। तो आपा ने भाईजान ने मेरे से बात की, तो भाईजान ने मेरे को बोले थे देखो 5-10 लाख रुपया कभी भी लगेगा ना इमरान, तो मुझे बोल देना। तो अभी ये आदमी जो मुंबई आया था, झोलर झोलर ट्रैप बिठाने सबका झोल, अब ये झूठ बोलेगा तो इसकी रिकॉर्डिंग भी है हम लोग के पास, ये अगर झूठ बोलेगा तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो हम लोग को मालूम था ये बॉम्बे आया, इधर पे सबसे मिला, मैंने सब बीएमसी ऑफिसर लोग से मिलाया, बीएमसी का काम के लिए बात करने गए, 2-3 जगह टेंडर था वहां जाके देखे, फिर बाद में ये आदमी मेरे साथ घुल मिल गया, उसके बाद में फिर मैंने इसको बताया कि मेरे को मरियम अपा ने बोले क्या तेरे को सपोर्ट करेंगे, भाईजान ने भी बोले 5-10 लाख रुपया तेरे को जब चाहिए तब ले बिजनेस के लिए। तो मेरा तो हम लोग का ऐसा चीटर खून नहीं है ना, एक मिनट में बोलती, पैसे से हम लोग किसी से व्यवहार नहीं रखते, ना लेना ना देना, ना लेते ना देते, ठीक है। फिर भी हम लोग को मरियम आपा का माशाल्लाह बहुत सा सपोर्ट है, कभी भी उन्होंने बोले एनी टाइम तुझे पैसा लगेगा, देखो पैसा अगर जिस दिन मैंने, मेरे को ऐसा लगता है जिस दिन अगर मैंने पैसा ले ली ना तो उधर से मेरी ना मतलब खराबी हो जाएगी, तो मुझे वो खराबी नहीं करने का, अभी भी अपने रिश्ते के बीच में पैसा नहीं लाना। इसने वहां से मेरे को फोन किया 2-3 बार, मैंने यहाँ पे एक दो काम देखा था जो इसने कैंसिल कर दिया, 2-3 बिल्डिंग डेमोलिशन का काम लिया था, इसके वजह से वो काम भी चले गए, ठीक है वो तो गए तो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, घुमाता है सिर्फ, लोगों को लेके आया, मैंने बताया सब किया। एक दिन इसने मेरे को फोन किया, बोला मेरे को बैंगलोर जाने का, वहां 9 लाख रुपया भरने का, ये मेरे पास सब है रिकॉर्ड है, मैं ऐसा हवा फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। इसने फोन किया, बोला इमरान 9 लाख रुपया भरने का है, पैसा कम पड़ रहा है, तू एक काम करना, तू आपा को बोलना पैसा देने के लिए, इसमें बिजनेस में लगाने के लिए, देखो तो लोग ने बोले ले। तो इसने मेरे को बोला आपा से ना 5 लाख रुपया लेने के लिए, अब बता रहा हूँ बराबर सुनो, 5 लाख रिकॉर्डिंग सुना देंगे, 5 लाख लेने बोला ये आदमी ने मुझे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपा से बात करता हूँ, मैंने आपा को फोन तो नहीं लगाया, रमजान का महीना था, मैंने इसको झूठ बोला, मैंने बोला आपा ने
रमजान बाद आपा देखिए ऐसा बोल दिया। तो इसने फोन रखा और बोला, बाद में फिर फोन किया मेरे को, बोला देखा पैसे से दे कोई दोस्ती नहीं करता है, तेरा तेरी आंख खोलने के लिए मैंने बोला था, तू पैसा मांग बोल के। अरे और हम लोग तू मांगे ही झोलर है, तू नहीं झोलर, हम मैंने लोग मांगा मांगे ही ही नहीं, नहीं, नहीं मैं मांगे। मांगूंगा तो आपा मेरे को ऐसी। हम लोग का जो रिश्ता है ना, ये बिना पैसे वाला, यही हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग को ना मतलब नहीं किसी के साथ में ऐसा पैसे और वाला अगर मैं रिश्ता ये झूठ रखने बोल रहा का। हूँ तो तू आके सफाई दे, सब बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें जो बताने वाला हूँ सब बताने वाला हूँ। तू स्लो बोली तुम मेरे इतना लिए, क्यों चिल्ला रहे तू स्लो हो? बोली इसके लिए। मेरा कान तो दुख रहा बहुत है ना। सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूँ, कोई सुन रहा है क्या? क्या है यार, तू भी मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को बोलने देने का, बीच में रोकने का नहीं, नहीं, तो क्योंकि मैं हट जाऊँ। क्योंकि हम तुम लोग लोगों इसी यार बात करो, मैं हट जाता हूँ। आज है ना 1 महीना 15 दिन हो गया, तो फोन उसके खाली बाद, उसके चुगली बाद, सुन रहे हम लोग। उसके बाद से ये हमारे से बात करना बंद कर दिया। अब मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये रमजान महीने की बात है, उसके बाद से ये आदमी ने मेरे को इग्नोर कर दिया। जब पैसे की बात हुई मैंने मना कर दिया, मैंने झूठ बोला, मैंने आपा को बोला ही नहीं था। और ये बात मैंने आपा को बाद में बताया, आपा तेरे तुमसे पैसा मांगने के लिए आदमी ने बोला था, तो मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, एक जनरेटर का वो फोटो बिटो सब है मेरे पास, और क्योंकि ये पूरा एक प्रूफ है जो इसने आदमी ने एक मिनट बोला मैं मुझे। बोलूंगी, एक जगह देखो गद्दारी हुई है पैसे को लेकर, जो कि हम लोग को मालूम है। वो पैसे को लेकर ये लोग अभी तक गोलमाल कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्यों 5 लाख? वो तो लेके साइड हो जाएंगे, लेकिन भरना किसको पड़ेगा? हम लोग को। और हम लोग का भाड़े का घर तो नहीं है कि हम यहाँ वहाँ खेलते अरे भाई फिरेंगे। खुद के घर हमारा में खुद हम का लोग, घर है, तो हमारे घर पे तो आएंगे, जिससे पैसा ले हो तो वो हमारे घर पे आके बैठेंगे, बराबर? तो ऐसी बात है, तो हम लोग को बहुत सोचना पड़ता है भाई। हम लोग पैसे से ना कोई भी रहने दो, और वो तो छोड़ो, नहीं स्ट्राइक दोस्ती तो पहले करते। मार दिया जब हमारे को बोल रहा था, तब उठा उठा के वो डालो। अपनी औरत को बताने के लिए कि देख सना इतना इमरान को बड़ा भी स्ट्राइक आदमी, में मार दिया। इसने मेरे को बोला तेरा स्क्रीनशॉट भेज, ये भी है मेरे पास ना, ये भी प्रूफ है। इसने बोला तेरे को मैंने जो स्ट्राइक मारा था ना वो स्क्रीनशॉट भेज। मैंने बोला क्यों भेजू भाई? तो बोले अरे मेरे को उसको बताने का कि मैं सबको स्ट्राइक मार रहा हूं, मतलब ये वहां भी अच्छा होने का, यहाँ भी अच्छा होकर चलने का है, तो मैंने वो भी नहीं भेजा इसको। तो ये 2-3 बात की वजह से ये मेरे से दूर हो गया, तो इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी वजह से मेरा घर नहीं चल रहा था। नहीं, दूर कब हुआ वो? मतलब लोगों ने बोला कि वो हमेशा ना मरियम आपा का ही नाम लेती, तुम्हारी लाइफ पे बैठती है और मरियम आपा का नाम लेती है, बोलती है मरियम आपा के वजह से आज लोग मुझे हाँ, थोड़ा उसने बहुत फिर एक जानते हैं, लड़की जानती भी है, है तो। एक लड़की है जिसका नाम उसने लिया था, मैं बताऊंगा नहीं, नहीं, मत बोलो मत नाम बोलो। नहीं बताऊंगा। वो लड़की का नाम लिया कि उसने मेरे को भड़काई थी, लेकिन वो सब का मेरे पास है ना भाई, बात किया तो सब रिकॉर्ड मैंने करके रखा हूँ। नहीं, केस केस खेलने का तो खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर खेलना है तो बोलो, फिर हाँ नहीं, खेलेंगे। धमकी देगा तो ना, तेरे को बहुत लोग धमकी को दिया मालूम है ना, केस केस बहुत अच्छे से खेल लेते हैं हम लोग। तेरे को धमकी दिया था ना, बोला था ना ऐसी मजाक मजाक बात हाँ, बात में नहीं बोला वो ना, किसी का 2 जन का पेपर ऊपर भेज के बोले अबे देख पेपर मैंने तो ना मुझे ऐसा भेजा किया, वो, तो लेकिन नहीं पेपर भेज के ऐसा किया। तो मैं बोली ऐसा क्यों किए पेपर ना, कंप्लेंट ऐसा नहीं देने का। वो पेपर और वो साथ में जो साबे उनको लेके जाने का घर पे और घर से उठाने का। मैं ओके ये ओके क्या ऐसा तुमने कंप्लेंट किए बोल अच्छा के? अच्छा तो ऐसी बात है, मैं आज एक ही बात बताया, मरियम अपा वाली अगर ये झूठ है तो तू आके सफाई दे दे भाई, मैंने तो सब सच सच बताया और इसका प्रूफ भी है मेरे पास, मैं डाल दूंगा अगर डालना है तो। ठीक मैंने कमेंट ऑफ कर क्यों दी। करी यार, चालू रहने ना, क्या प्रॉब्लम है मैं कमेंट तुम्हारे को का? देख, तुम बोलते रहो ना। नहीं आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया, मेरे को धीरे धीरे ऐसे ही बोलने दे, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हम हुआ है, लोग मेरे ना को सब 1 महीने से निकालने दे। चुगली सून रहे। मालूम हम लोग सूरत गए थे ना, वहां से इतनी बातें सुने हम लोग ने, ये इंसान अरे वो ने। दुकान वाले के पास हम लोग गए थे, वो दुकान वाले से इसने 50,000 रुपया मांगा बर्थडे वाले दिन, वो आदमी का भी मेरे पास प्रूफ है पूरा, जिसने हाँ उसने खुद बोला, बोला कि भाई मेरे से 50,000 रुपया ये आदमी मांग रहा है। बोले क्या इसको मैं समझ इसको नहीं आता शाम तक इसके दे पास क्या दूंगा। है, क्या है? बोले भाई अपन इज्जत करते हैं, बुढ़ा आदमी है, अपना बाप समान है, इसके लिए अपन और इज्जत करते हैं वो उसकी, भी इंसान और है वो ना, भी मिल बातें गया पलटी मार पलट। रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि ये बहुत शातिर खिलाड़ी लोग के साथ वो बात कर रहा था। तो उसको हम लोग ने नहीं बुलाए थे दरगाह विरगाह पे, ये खुद हम लोग से मिलने आया था, पहली बात तो ये बता रहा हूँ। मेरे से उसने नंबर मांगा, मैंने उसको नंबर अभी तक अभी एक्सचेंज तक नहीं हम लोग किया। ने नंबर नहीं दिए। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दुकान वाले की जो हमारे लिए दरगाह पे वहां पे आया था, खाजा दाना दरगाह पे, व्हाइट पाइंट व्हाइट शर्ट पे एक आदमी आया था कपड़े की दुकान वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी हम वो लोग भी इसके फ्रॉड साथ आदमी है, में उसने भी पहला सही बोला सब बात किया, उसके बाद उसने पलटी मारा, तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग उसको भेज दिया और इस बुड्ढे को भी देखो भेजाओ। एक और बात क्लियर हाँ करने का, 1 मिनट रुक जाओ। और बहुत लोग इसके साथ में जब लाइव बैठ रही थी ना, तो बहुत जन बोल रहे थे कि इसने जो ये 15 लाख वो जो मैटर है, मेरे को तो नहीं मालूम है 15 लाख वो सब, तो ये क्या बोल रहे थे कि लोग कि ना आप लोग को भी उसमें से कुछ पैसा मिला। तो तुम लोग को एक बात मैं बता दू, मैं यहाँ पर नाम लेके बोल रही, रियाना बॉस को खाली इतना बुड्ढा चोर है पूछना, इमरान एक भाई। मिनट, हाँ बराबर, रियाना बॉस को इतना पूछना, कभी 1 रुपया इमरान ने लिया है क्या तुमसे? वो जो वीडियोस थी उन्होंने वो गुस्से में बना दिए थे, वो बहुत गुस्से में थे तो उन्होंने कुछ कुछ बोल दिए गुस्से में, ठीक है। लेकिन कभी पूछना, क्योंकि मैं लाइव बैठ के बोल रही हूँ, वो भी मेरी लाइव देखते हैं, मुझे मालूम है।
तो अगर वो देख रहे रहेंगे तो उनको खाली इतना पूछना, कभी इमरान ने 1 रुपया कभी लिया या सना ने कभी 1 रुपया ली, कभी मांगी तुमसे पैसा? वो ऑफिसर का जो पैसा उन्होंने एक बार दिए थे तो इमरान ने उनको दे दिया था, और हम लोग जिसका पैसा लेते हैं, हाँ 50,000 रुपए एक बार वो दिए थे, ये भी दिए। आज मैं क्लियर कर रहा हूँ, रियाना बॉस का मेरा, वो मेरी चाची लगती है रिश्ते में, ठीक है, और वो जो उनके हस्बैंड है मुत्तू भाई, मुत्तू चाचा, वो मेरे चाचा है। लेकिन दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि हमारा झगड़ा लगाने के लिए एक लड़की थी बीच में, इसने गुस्से में ऐसी मजाक में या गुस्से में इसने गाली दे दी, मतलब हमारा कुछ चल रहा था तो उसका कुछ हो गया, तो उसने क्या करी, वो रिकॉर्डिंग वहां भेज दी, तो उस वजह से झगड़ा ये बढ़ गया था बहुत ज्यादा। चलो तो अभी चलो कल की अपने उनकी रिकॉर्डिंग और जो उन्होंने डाले थे वीडियो तो देख लिए, वो तो हमारा वहाँ फिनिश हो गया, तो ऐसा हमारा झगड़ा बड़ा था जो खत्म हो गया। लेकिन बहुत जन ने फायदा उठाया, आप लोग का क्यों हुआ उनसे, आप लोग का क्यों हुआ, तो वो हम लोग का कुछ अलग था, जो ये गाली गलौज का रिकॉर्डिंग का था, बहुत लोग ने उसका फायदा उठाया, कोई था नहीं हम लोग का, बहुत लोग ने उसका फायदा उठाया, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आज, अगर सना इमरान पैसा किसी का लेके ना तो डर के लाइव बंद कर देगी, वीडियो बंद कर देगी, हम लोग किसी का 1 रुपया लिए नहीं, अरे भाई हम पूरी अपडेट देते, घर से निकलते वीडियो बनाते पूरी अपडेट, ऐसा भी नहीं कि बाद में डालते, तुरंत वीडियो डालते, जा जाएंगे वहाँ की वीडियो डालते। देखो अगर चीटर रहते, झोलर रहते, तो हम लोग कहीं का भी वीडियो नहीं डालते। अगर हम लोग ऐसा सबसे पैसा मांगते होते ना, तो आज इतने लोगों चूना लगा के इतना इतना गोल्ड पहन के बैठे होते, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लुटेरी दुल्हन जैसे होते, तो बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा पैसा, ये सब हम लोग बहुत सारा रहता, ठीक है। तो यही चीज बस हम लोग को क्लियर करने का था, जो कि हम लोग बहुत दिन से यार सुन रहे थे कि इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला, इसलिए इसने ना रिकॉर्डिंग, हम लोग को रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग आ रही थी, तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, सोच रहे थे कब बोलू कब बोलू। तो आज वो बहन से मैंने इजाजत ली, बहुत रिक्वेस्ट करके इजाजत ली हूँ, और एक जन है जो कि मुझे बहुत जल्दी कुछ भेजने वाला है, वो भी बस उसका भी अब वो सुनूंगी क्या क्या उसमें बोला गया है, फिर इसकी देखना, अभी तो कुछ भी नहीं, जब तो पता नहीं मेरे मुंह से फिर क्या क्या निकल जाएगा, अभी तो ये शुरुआत है, ये तो बहुत, अभी तो ये कुछ भी नहीं बोले हम लोग ने, ये तो मैंने अभी एक ही चैप्टर बोला, आदमी मैंने नहीं देखी, ये मैंने अभी एक ही चैप्टर बोला, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो कि मैंने इसको अपना बाप भी बना ली थी। अरे यार क्या है यार, तू यार मेरे को तेरे पे बहुत गुस्सा था, तू जब बाप बाप उसको बोलती है, नहीं बाबा मेरे अब्बा बहुत एकदम भोले इंसान है, तुम लोग ने देखे, ये चीटर आदमी को तो तेरा बाप बनाएगी साला, जो मतलब के लिए तेरे को यूज किया, मेरे को नहीं, मैंने तो देखा सोशल मीडिया पे, एक चीज हमेशा बोली हूँ, मेरे माँ बाप एक ही है, बाकी कितने भी बड़े उम्र के रहे, तो मैं उन लोग को ना हमेशा भाई और बहन ही बनाई हूँ, ठीक है। लेकिन इन्होंने खुद अब सामने से बोले कि मैं तेरे को बेटी मानता हूँ, ये मेरी बेटी है, बेटी है, तो बेटी मानता हूँ, पीठ पीछे गाली देता है, पीठ पीछे चुगली करता है, बुराई करता है बेटी के लिए, कोई एक बेटी, हाँ अपनी बेटी के लिए कोई थी, मानी भी बेटी थी, कुछ भी थी, लेकिन इतनी चुगली नहीं करने का था यार, मैं मालूम तुम्हारे लिए मैं कभी किसी के सामने चुगली नहीं की, मैं हमेशा ये चीज बोली, उल्टा मेरे को सामने से ये बोला गया तू बहुत सपोर्ट लेती है उसकी, बहुत तेरे को लगता, तो मैंने बोली हाँ मैंने ना, मतलब मुझे बुरा इसलिए लगता क्योंकि मैं मानती हूँ ना किसी को, तो दिल से मानती हूँ, भाई मैंने बहुत सपोर्ट किया था, और ऐसा नहीं है, और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं प्यार दोस्ती ये बहुत दिल से निभाता हूँ, और दुश्मनी तो 100% नहीं, 1000% देखो मैं हर किसी से हम लोग हर किसी से प्यार करते हो तो दिल से ही प्यार करते हो, और दिल से ही प्यार करना चाहिए, ऊपर ऊपर के दिल से किसी से ना मोहब्बत नहीं रखना चाहिए। तुम लोग को एक और चीज बता दूं, कल मरियम मापा की 2-3 दिन से अजमेर से जब से तबियत खराब है, तो तुम लोग को एक बात मालूम है, देखो ये अभी तक मैंने ये चीज तुम लोग को बोली नहीं, कल मैं मरियम मापा से मिलने के लिए गई थी, मैंने ये भी चीज तुम लोग को नहीं बताई, अभी बता रही हूँ, कल लाइव आई फिर भी मैं तुम लोग को नहीं बताई, कल मैं मरियम मापा से मिलने के लिए गई थी, उनकी तबियत खराब थी, तो आप लोग दुआ करना वो जल्दी से जल्दी, और अभी इस वजह से अभी हम लोग बता रहे क्योंकि रात में आपा परी के साथ लाइव आए थे, तो उस पर उन्होंने शेयर किया कि उनकी तबियत खराब, तो मैंने बोली सुन के, तो इस वजह से वो सुन के हम लोग ने आज बोले कि आपा की तबियत खराब है, वरना हम लोग ओपन ही नहीं करते, ओपन नहीं करते, कल आपा को चढ़ाने इमरजेंसी में फिर निकल गए गाड़ी लेके, तो हम लोग आ गए वापिस, तो ऐसा कल हम लोग आपा से मिले थे, लेकिन देखो ये बात है, ये असलियत है हमारी कि हम लोग को आपा ने पूछे नहीं, परमिशन नहीं ली, तो हम लोग ने बोले भी नहीं, ना वीडियो भी बनाए, लोग जाते तो वीडियो बनाना चालू करते, हम लोग ने वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि आपा की तबीयत खराब है, हम लोग आपा को देखने के लिए गए थे, सही बात है, तो आपा ने कल हमारी रूबीना आपा भी थी, हमारे लिए बहुत टाइम दिया बेचारी, आपा बहुत टाइम रूबीना आपा खड़े थे नीचे, खड़े थे गए नहीं, इसके बोलने के जैसे मैं बोल रहा था ऊपर चले जाओ बोलते, चलो फिर बहुत लंबी हो गई इमरान, बस अभी कल स्कूल भी है बच्चों की, चलो वापिस, अभी मैं छुपने बैठूंगा, ऐसा नहीं यार, मेरे को मैं गलत था अभी तो रहते मालूम है, मेरे को सब बताना पड़ेगा, जो जो हकीकत है, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो तुम आके बोलो,
जो जो चीज मैं बोलने वाला हूँ और जो बोल आज अरे, जो बोल दिया वो देख लिए पब्लिक ने क्या, वो नहीं क्या साथ में जो बैठे थे, 1 रुपया किसी से लिया नहीं दिया, तो साथ में एक दोस्त जो बैठे थे वो क्या बोलते, अगर किसी ने 1 रुपया भी क्या लिया रहेगा तो मेरे को बोला मैं चुका दूंगा इनका पैसा, तो वो रिकॉर्डिंग मैंने आप लोग को सुना दी, तो इसमें मैं तो सच्ची निकली ना, क्योंकि देखो मैं जो चीज लेकर आती हूँ बोलती हूँ ना, तो उस चीज का। अरे भाई उनके बारे में क्या बोला गया ये तो अभी कल बताऊंगा मैं, उन्होंने इनको इतना सपोर्ट किए थे और बोले क्या मैं, अरे हाँ यार उसके बारे में भी बोला था, सूरत में किसी ने अगर पेशेंट से उतर के अगर बोला तो बोले भाई मैं पैसा चुका दूंगा अगर कर्जदार रहेगा, वो आदमी के बारे में बहुत गलत बोला है, वो भी मैं सब बताने वाला हूँ, ये कल बताऊंगा। अरे इनको रिकॉर्डिंग भेज दो, रोज बताऊंगा रोज, वो आदमी का नंबर नहीं मिल रहा है, मैंने एक जन से मांगा किसी था। वाट लगाने पे उतरते ना तो बहुत वाट लगाते हैं, किसी को सपोर्ट करते ना तो दिल से सपोर्ट करते हैं, चाहे हमारे पे केस हो जाए। थंबनेल ये थंबनेल का फोटो मैं इसके लिए बोल रहा था। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी था, अभी अभी तुम लोग अभी देखो तुम बस, मैं ले तो क्या है पब्लिक को लगता है, चुगलियां करो और चुगली करो, तुम्हारी बैंड बजाती रहूंगी मैं, और चुगली करो करो हाँ, और बेटा बेटी बेटी बोल के चुगली करते तुमको मालूम नहीं मैं सनाऊं हाँ। अभी तो मैंने सिर्फ 1-5 लाख का बताया हूँ और अभी मैं धीरे धीरे सब चीज ओपन करने वाला हूँ। अब बस रे बाबा, चलो चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, चलो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना और कल मिलेंगे इंशाल्लाह वापिस, नहीं मिलेंगे तो परसों जरूर। और जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब पे जाके देख लेना, और हाँ मेरी कॉपी कोई करो मत, ये लाइव से पैसा नहीं मिलता, ये तो मेरा शौक है तो मैं डालती हूँ, समझ में आया तो ये लाइव उठा के मैं डाल रही हूँ यूट्यूब पे, तो जरूर देखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, चलो फिर मिलते हैं वापिस, हाँ कल मिलेंगे वापिस, लेकिन एक और एक चीज बोलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और आप लोग मुझे प्यार नहीं दे रहे हो, मैं भी बहुत जल्दी ये चैनल ही बंद करने वाली हूँ क्योंकि मैं भी कुछ मेरा दुबई में काम है उधर जाने वाली हूँ वो छोड़ यार, और बोलते कि ये उठा के तुम पैसे के लिए डालते हो, हाँ पैसे के लिए डालते हैं भाई, इसको भी उठा के पैसे के लिए डालेंगे यूट्यूब के ऊपर, पैसे के लिए ही करते है तुम्हारे साथ झोल चाल नहीं करे, चीटिंग नहीं करे, किसका लूट के नहीं खा रहे, चूतिया बनाने के पब्लिक को, वैसा काम नहीं कर रहे बाबा, इसको बोलने दूंगी ना पूरा रात, पैक 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 पैक, चलो अल्लाह। अरे सैवियो देख, सैवियो भी है, सैवियो हाय, सैवियो कैसा है तू, सैवियो साइमन है, साइमन है, हेलो साइमन, साइमन है साइमन, चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज साइमन, बहुत लेट आ गया, अभी जो भी नहीं देखा वो यूट्यूब पे जाके देख लेना, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।